हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं इस बजाज पल्सर NS200 PS6 2022 मॉडल का। सबसे पहले आपको इसमें बिगेस्ट चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। एक ही चेंजेस आपको इसमें देखने को मिलेंगे, जो क्या है, अलॉय व्हील्स ब्लैक कलर के। तो आपको सबसे पहले इसका एक शोरूम प्राइस बता देता हूँ। इसका एक शोरूम प्राइस 1,33,000 है और आपको ये ऑन रोड 1,72,000 के आसपास मिल जाएगी। दोस्तों, एक शोरूम प्राइस और ऑन रोड प्राइस मैं अपने सिटी के मुताबिक आपको बता रहा हूँ, और ये आपको अलग अलग सिटी में और अलग स्टेट में आपको अलग अलग डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। तो बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो आपको इसमें इंजन कैपेसिटी 199.5 cc का इंजन देखने को मिल जाता है। आपको इसमें माइलेज की बात करें तो 35 km/L के एवरेज माइलेज देखने को मिल जाएगी। ये बाइक आपको सिक्स गियर मैनुअल के साथ आपको मिलती है। इस बाइक का टोटल कार्ब वेट आपको 151 kg 151 देखने को मिल जाता है। बात करते हैं फ्यूल टैंक कैपेसिटी, तो आपको इसमें 12 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है। और सबसे ज़्यादा इसका मेन फीचर आपको इसमें 24.13 bhp का पावर देखने को मिल जाता है, जो कि ये अपने सेगमेंट में सबसे पावरफुल बाइक है। तो दोस्तों, अब इसके पावर एंड परफॉर्मेंस की बात करते हैं। इसमें आपको 24.13 bhp का पावर एट 9,750 rpm पर देखने को मिल जाता है, और मैक्सिमम टॉर्क आपको 18.5 Nm एट 8,000 rpm पर देखने को मिल जाता है। बात करते हैं इंजन की, तो इंजन आपको इसमें सिंगल सिलेंडर 4 वेल्स और के साथ देखने को मिल जाता है, और कूलिंग सिस्टम आपको इसमें लिक्विड कूल्ड देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, हम बात करते हैं इसके ब्रेक्स एंड व्हील्स एंड सस्पेंशन की। तो सिंगल चैनल ABS आपको देखने को मिल जाता है। फ्रंट साइड में आपको 300 mm के डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाती है, और रेयर साइड में 230 mm के डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाते हैं। टायर्स की बात करें तो दोस्तों, फ्रंट एंड रेयर बोथ साइड आपको 17 इंचेस के ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाते हैं, रेडियल टायर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो बात करते हैं दूसरे कलर्स की, तो आपको सेम कलर्स देखने को मिल जाएंगे, सिर्फ ब्लैक अलाइवल्स देखने को मिल जाएंगे। व्हाइट कलर हो या रेड कलर हो, सिर्फ ब्लैक अलाइवल्स देखने को आपको मिल जाएंगे 2022 मॉडल में। ये ओल्ड ही मॉडल अभी तक स्टॉक अवेलेबल था शोरूम में, तो इसलिए ये ओल्ड कलर्स दोस्तों शोरूम में पर अवेलेबल थे, तो आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ कि सिर्फ आपको इसमें 2022 में आपको सिर्फ ब्लैक अलॉयल्स देखने को मिल जाएंगे, बाकी सभी सेम ही देखने को मिलेगा आपको इसमें। बात करते हैं सस्पेंशन की, तो फ्रंट साइड में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और पीछे की तरफ इसमें मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिल जाता है। और बात करें हेडलैम्प की, तो इसमें हेलोजन ही आपको सभी हेलोजन में ही देखने को मिलेगा, इंडिकेटर हो या हेडलैम्प, दोनों DRL सब में भी आपको हेलोजन ही देखने को मिल जाता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो वही पुराना वाला सेम 2021 मॉडल कंटिन्यू है, वैसा ही आपको देखने को इसमें मिल जाता है। कलर्स की बात करें तो दोस्तों, इसमें आपको यही कलर्स में आपको ब्लैक और वाइवल्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि आप ग्रे कलर्स देख पा रहे हैं। ग्रे कलर में भी आपको ब्लैक और वाइवल्स देखने को मिल रहे हैं, इसी सेम सारे ब्लू कलर, रेड कलर, व्हाइट कलर में आपको ब्लैक अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं 2022 मॉडल में। व्हाइट अलॉय व्हील्स को बजाज ने डिसकंटिन्यूड कर दिया है। और आपको और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।